हाय दोस्तों, आज के इस एपिसोड 2 में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप मोटे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है और अगर आप पतले हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मोटापा या पतलापन एक दिन में आपको नहीं मिलता है, ना ही एक महीना में, ना ही छः महीना में, ना ही दो साल में, ना ही तीन साल में। अगर आप मोटे हैं या पतले हैं तो इसके पीछे बहुत ही लंबा वक्त लगता है। जितने भी लोग अभी इस वक्त में इस वीडियो को देख रहे हैं, आप थोड़ा 4-5 साल पीछे का सोचिए तो आप खुद ही देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करते हैं, एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहते, आपका स्वभाव बहुत ही चंचल है, इसीलिए आप पतले हैं। और जितने भी लोग मोटी हैं या मोटे हैं, आप थोड़ा अपना 4-5 साल पुराना सोच के देखिए, तब आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा आराम करते हैं, या आपका चेयर वाला जॉब है। जितना भी लोग चेयर वाला जॉब करता है ना, चाहे वो कितना भी पतला क्यों ना हो, 5 या 6 साल में उनका पेट निकलना शुरू हो जाता है। और अगर 10-15 साल से आप यही जॉब कर रहे हैं, तब तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट बनने लगता है। और दोस्तों, अगर आप किसी बच्चे को ध्यान से देखेंगे, यानी कि क्लास 1-2 में जाने वाला लड़का को, तो यही एक उम्र होता है जिससे आप आगे जाके मोटा होंगे या पतला होंगे, 75% इसी उम्र से डिपेंड करता है। बहुत सारा लड़का या लड़की देखने में गोलू मोलू टाइप का होता है, यू आर सो क्यूट, यू आर सो ब्यूटीफुल, नाइस, बहुत ही गोलू मोलू सा लड़का है। अभी तो उम्र कम है, देखने में आपको गोलू मोलू लग रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ऐसे बच्चों का ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोटा होने लगता है और इसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा फैट होने लगता है। और आप देखेंगे बचपन में ही कोई कोई बच्चा ऐसा लगता है कि जैसे उसका माँ बाप उसको खाना देता ही नहीं है, बहुत ही पतला रहता है, उसके गाल में गड्ढापन रहता है, उसके बॉडी में ज़्यादा मास नहीं होता है, उसके माँ बाप भी परेशान होते हैं, तुम ठीक से खाओ, दादा दादी बोलते हैं ठीक से खाना नहीं देता है क्या इसको। जबकि इसके पीछे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ऐसे बच्चों को, तो ऐसे बच्चों का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है, ऐसे बच्चे खाना भी बहुत जल्दी में खाते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, ठीक से सोते भी नहीं है, माँ बाप इसको सुला के चले जाते हैं, आके देखते हैं बच्चा गायब है, मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे का मतलब यही है कि अगर आप मोटे हैं तो इसका बिल्कुल साफ साफ यही मतलब है कि पिछले 7-8 सालों से आप बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हैं, आप अपने शरीर के हिसाब से सही काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके शरीर में फैट का मात्रा दिन पे दिन ज़्यादा होने लगा है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पतले हैं, ऐसे लोग YouTube पे आके अपने मम्मी दादी से पूछ के बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन आप मोटा नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि आप अपने शरीर के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पैसा के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ता है, आप मैदान में 6-7 घंटा तक खेलते रहते हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में जाके 6-7 घंटा तक अड्डा मारते हैं, यही सब कारण है कि आप मोटे नहीं हो पा रहे हैं। मैं अपने आने वाले एपिसोड में आपको बता दूंगा कि मोटा होने के लिए आपको क्या करना होगा और पतला होने के लिए आपको क्या करना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।